सूरत जिला पुलिस बोगस चलनी नोटो नो मस मोटा रेकेट नो पर्दाफाश कर्या बाद आ रेकेट में संडोवायेला वधु एक आरोपी ने दिल्ली खाते थी झड़पी पाड़ी तेनी पासे थी रूपया 17.75 करोड़ रूपया कब्जे कर्या छे। आ साथ बोगस नोटो नो आंकड़ो 334 करोड़ पर पहुंचो छे। सूरत जिला डीएसपी हितेश जोईसरे माहिती आपता जणाव्युं हतुं के कोई कंपनी ट्रस्ट ने डोनेशन आपवुं होय तो डोनेशन ना 50% रकम लिक्विड केश साथ 50% बनावटी चलनी नोट छपावी हती। आ रोकड़ रकम कंपनी अने ट्रस्ट साथ मळीने 10% चार्ज लई लीधा हता। आरोपीओने आ प्रकारनी कबूलात करी हती। पोलिस ने छेतरायेली एक कंपनी के एक थी वधारे कंपनीना नामोनी जाण थई होय परंतु हजु सुधी पोलिसे कई कंपनी साथे छेतरपिंडी थई छे के आ नकली नोट प्रिंटिंग करवामां आवतो हतो ए बाबत रहस्यमय बनी छे। डीवायएसपी वीके वडारनी आगेवानीमां बनाववामां आवेल सीट द्वारा अत्यार सुधीमां मुंबई दिल्ली राजकोट राजस्थान अमदावाद जामनगर खातेथी 7 जेटला आरोपीओनी धरपकड करी अने तेमनी रहेणाक ऑफिस अने गोडाउनमांथी 317 करोड़ बोगस चलनी नोटो कब्जे करी छे। दरमियान डीवायएसपी बीके वनारे मुख्य सूत्रधार गुरुमित सिंह ने पकड़वा अर्थे तपास हाथ धरी हती। तेमा दिल्ली खातेनी तेनी ऑफिस में छापो मार्यो हतो। पोलीसे ऑफिस मांथी रूपया 17.75 करोड़ नी बोगस नोटनो जत्था साथे अमित जय भगवान राणा नी धरपकड़ करी छे। पोलीसे अत्यार सुधी में कुल 334 करोड़ नी बोगस नोटनो जत्थो कब्जे कर्यो छे। आ समग्र प्रकरण में पोलीसे गुमित सिंह नी शोधखोळ शुरू करी छे। आ नोट क्यां प्रिंट करवामां आवती हती ते रहस्य अकबंध रह्युं छे। आप सब जाणो छो ए रीते गत तारीख 29 सप्टेम्बर थी सूरत रेन्ज एडिशनल डीजी डॉक्टर एसपी राजकुमार पांडियन सरना मार्गदर्शन में सूरत रूरल पुलिस आ बनावटी चलनी नोटो अंगे गुनो दाखल करी अने खूबज सक्रिय रीते कामगिरी करी रही है। शुरुआत में 25 करोड़ 80 लाख की नोट दीकरी एज्युकेशन ट्रस्ट एम्ब्युलेंस में हितेश कोटड़िया नामना ट्रस्टी कम ड्राइवर साथ पकड़ाय। त्यारबाद धोरणसर गुनो दाखिल करी दिनेश पोसिया अने विपुल पटेल की अटकायत करवामां आवेली। त्यारबाद विकास जैन दीनानाथ यादव अने अनुष ए त्रणनी अटकायत करवामां आवेली। ए 6 आरोपीओना रिमांड मेळवामां आव्या अने फर्धर रिमांड मेळवामां आम कुल 9 दिवसना रिमांड मेळवामां आव्या। अत्यारे पण ए आरोपीओ रिमांड पर छे। कुल 317 करोड़ जेटली चलनी नोटो झड़पायेल हती। पोलीसे छेल्ला 3 दिवसमां खूबज सक्रिय अने एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनावी अने आ केसनी तपासने आगळ वधारी अने दिल्ली अने मुंबई विविध टीमों मोकलवामां आवेली। जेमां मुंबईथी प्रवीण जैननी अटकायत करवामां आवेली छे अने एना पण 5 दिवसना रिमांड मेळवेला छे। प्रवीण जैननी पूछपरछमां खुलासाओ थता एना अनुसंधाने दिल्ली जे टीमों गयेली ए त्यांथी अनीश राणा एनी पण पोलीसे अटकायत करेली छे अने नोट आपनार गुरमित एनो साथी छे। हवे नोट क्यां छपाई प्रिंट क्यां थई ए अंगे पोलीस तपास करी रही छे। गुरमित जे दिल्लीनो रहेवासी छे ત્યાંથી એમને ત્યાં કામ કરનાર એક મહિલાને પણ પોલીસ પૂછપરછ માટે અહીં બોલાવેલ છે। એ બંનેની પૂછપરછ ચાલુ છે અને ગઈકાલે રાત્રે ગુરમીતના ઘરે અને ઓફિસમાં સર્ચ કરતાં 17 કરોડ 75 લાખ જેટલી બીજી ચલણી નોટો એ ત્યાંથી દિલ્હીથી સુરત રૂરલ પોલીસને મળેલી છે। તો કુલ અત્યાર સુધીમાં 337 કરોડ જેટલી ચલણી બનાવટી નોટો સુરત રૂરલ પોલીસે કબજે કરેલી છે અને 2 આરોપી પ્રવીણ જૈન અને અનીશ રાણાની પણ અટકાયત કરવામાં આવેલી છે। હજી પોલીસની ટીમો રાજકોટ સુરત જામનગર દિલ્હી અને મુંબઈ ખાતે આ કેસની તપાસ કરી રહેલી છે। જે રાજકોટના વ્યક્તિ સાથે છેતરપિંડી થયેલી અને જે પૈસા એના મુંબઈ ગયેલા એ પ્રવીણ જૈન અને વિકાસ જૈન એ બંને મારફતે એમાંથી 20 લાખ રૂપિયાની રિકવરી આજે સુરત રૂરલ પોલીસે કરેલી છે અને હજી લોકોના ગયેલા રૂપિયાની રિકવરી વધુમાં વધુ થાય એના તમામ પ્રયત્ન પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ છે।